साहित्य ऐसा है मैम कि जो भी हिंदी से बच्चे आते हैं तो साहित्य ले ही लेते हैं, और ऐसे भी बाकी लोग भी ले रहे हैं क्योंकि हिंदी साहित्य का जैसे मैंने बताया सिलेबस थोड़ा स्टैटिक है, जैसे अगर आप PSIR लेते हैं, एंथ्रो लेते हैं। हमारे साथ है शुभम शांडले जिन्होंने अपना UPSC मेंस क्लियर किया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। हेलो, हे, हाय, आई एम गुड। आप मुझे बताएंगे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था जी। हिंदी साहित्य एक डिसेंट ऑप्शनल है, सिलेबस इसका स्टैटिक है तो कवर करना भी ईजी है और थोड़ा पढ़ने में मन लगता है, तो इसलिए लिया था मैंने। अच्छा सिलेबस है, ले सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। आपने उसके लिए कोचिंग कहीं पर करी थी या फिर आपकी सेल्फ स्टडी थी? कोचिंग तो नहीं की थी, पर मेरे पास मटेरियल था दोस्तों का, तो उससे सेल्फ स्टडी करके थोड़ा मटेरियल लेके दोस्तों से ऐसे करके। कोचिंग में ऐसा कहा जाता है कि कोचिंग एक तरीके की गाइडेंस होती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, तो आपके लिए उस गाइडेंस का काम किसने किया अगर आपने कोचिंग नहीं की? थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख लिया, थोड़ा बहुत घर वालों से पूछ लिया, दोस्तों से पूछ लिया। हालांकि जो कोचिंग कर रहे हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप बहुत ही नए सिरे से आते हैं प्रिपरेशन में। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था तो इसलिए मैंने खुद से करने का ट्राई किया, हालांकि दोनों ऑप्शन इज इक्वली ओके जो भी आप करना चाहें। आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं और अगर आपने पहले अटेम्प्ट्स दिए हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए जो आपने इस अटेम्प्ट में उनको टैकल किया है आप यहाँ तक पहुँचे? 3 अटेम्प्ट दिए मैंने अभी तक, और उसमें मेजर इश्यूज ये था कि कभी किसी में कम मार्क्स हो जाएगा, कभी किसी में हो जाएगा। जैसे पहले में ऑप्शनल में कम मार्क्स आया था, दूसरे में SA में कम मार्क्स आया था। थोड़ा देखना होता है कि टॉपर्स कॉपी से मैच कर ले हम कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और थोड़ा ट्राई करें कि अलग तरीके से लिखें, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे ध्यान दें। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे तो समझ में आएगा, उससे ही इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने आजकल देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य को अपना रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या कौन सा एक ऐसा पॉइंट आया है जिसमें एस्पिरेंट का जो झुकाव है वो उस तरफ ज़्यादा होने लगा है? साहित्य ऐसा है मैम कि जो भी हिंदी से बच्चे आते हैं तो साहित्य ले ही लेते हैं, और ऐसे भी बाकी लोग भी ले रहे हैं क्योंकि हिंदी साहित्य का जैसे मैंने बताया सिलेबस थोड़ा स्टैटिक है, जैसे अगर आप PSIR लेते हैं, एंथ्रो लेते हैं तो हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। हिंदी साहित्य का ऐसा है कि सिलेबस लगभग कॉन्स्टेंट है, तो लोग बच्चे ले लेते हैं उसको, और कवर करने में इंटरेस्टिंग भी है। आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, उसके अलावा गद्य पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, तो आनंद भी आता है पढ़ने में, तो इसीलिए बच्चे ले लेते हैं। तो अगला सवाल मेरा यही होगा कि आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया, कौन आपकी इंस्पिरेशन? मोटिवेट तो घर वालों ने किया क्योंकि घर में रहता था, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया जब भी कुछ भी हो, फाइनेंशियली या अदरवाइज, तो घर वालों से हेल्प मिला, दोस्तों से भी हेल्प मिला। इसके अलावा फैमिली में मेरी बहन और मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया, जैसे कि वो लोग भी यूट्यूब वीडियोज देखते रहते हैं UPSC का, जबकि उनका कोई लेना देना है नहीं इससे मेरे लिए, तो वही है, उन्होंने बताया कि ये करंट अफेयर है, अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश किया और ऐसे भी हेल्प किया बहुत। अगर कोई एस्पिरेंट है जो कोचिंग के लिए लेना चाहता है, कोचिंग लेना चाहता है, तो उसको कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर लुक आफ्टर करना चाहिए? कोचिंग का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसमें थर्ड आई व्यू से बात कर सकता हूँ। अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि थोड़ा बैच छोटा हो, जिससे कि अगर आप बहुत ज़्यादा डाउट पूछने का मौका मिले आपको, या अगर कोई टीचर से आप 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर पाते हैं तो वो भी अच्छा है। और इसके अलावा अगर हाइब्रिड मोड में हैं, आपके पास वीडियोज अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी है, तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका आपने जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी है उसमें आपने बहुत सारी परेशानियाँ भी झेली होंगी, उन सब परेशानियों को सहते हुए अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को यहाँ तक पहुँचाना, किस तरीके से कामयाब हो पाया उसके लिए? मोटिवेशन तो देखिए इसमें समस्या तो आएंगी, आपकी 3-4 साल की जर्नी, तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन अंदर से ज़्यादा आता है। आप बाहर से मोटिवेशन देखेंगे 2 घंटे रहेगा वो चला जाए, तो कोशिश करें कि अपने अंदर से मोटिवेशन आए, कोई रीज़न आपके पास कि क्यों कर रहे हैं मेहनत, तो वही है, अंदर से आने का प्रयास कीजिए, जब तक नहीं आ रहा तब तक बाहर से लीजिए, धीरे धीरे अंदर से लाइए, यही। तो आखिरी में मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपका क्या, आप कोई सलाह देना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो मैं उनको सलाह क्या दूँ। हाँ यही है कि हम लोग एक साथ हैं, कम्युनिटी है हमारी, जो सीनियर्स काफ़ी कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, मैं यही चाहूँगा कि एक कल्चर बना रहे हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करें। थैंक यू, नहीं थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।